डीएम ने गन्ना पिराई से पहले चीनी मिल का किया निरीक्षण। मिल की प्रबंध निदेशक को दिए आवश्यक निर्देश। खबर सितारगंज से। गन्ना पिराई से पूर्व चीनी मिल जेजीएन सुगर एंड बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड की तैयारियों को जांचने के डीएम ने चीनी मिल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, गन्ना पिराई सीजन जल्द शुरू होने वाला है, इसलिए सारी तैयारियां पूरी कर ली जाए। प्रबंध निदेशक चीनी मिल आदित्य झाजी ने बताया कि चीनी मिल का मॉडर्नाइजेशन, मेंटेनेंस व सफाई कार्य पूर्ण हो चुका है। मिल गन्ना पेराई के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिनों के भीतर कर दिया गया था। इस वर्ष चीनी मिल द्वारा किसानों को गन्ना देते ही उनके खाते में भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मिल में चीनी के साथ ही एथनॉल भी बनाया जाएगा। मिल में बगास से विद्युत उत्पाद किया जाएगा। मिल में विद्युत उपयोग कर अवशेष विद्युत ग्रिड को दिया जाएगा। डीएम ने गन्ना अधिकारी को क्षेत्र में गन्ना उत्पादन की जांच करने के साथ ही गन्ना रकबा बढ़ाने के लिए किसानों को प्रेरित करने के निर्देश दिए। गन्ना अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष क्षेत्र में किसानों द्वारा 6300 हेक्टेयर में गन्ना बोया गया है। उन्होंने सितारगंज क्षेत्र में गन्ना शोध केंद्र के लिए भूमि तलाशने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, एसडीएम रविंद्र जुआठा, कौस्तुभ मिश्र, तहसीलदार पूजा शर्मा, सीओ बहादुर सिंह चौहान, गन्ना अधिकारी आशीष नेगी, ताहिर अली आदि मौजूद रहे। सितारगंज चीनी मिल जिसको सरकार ने लीज पर दिया था, तो जो नए कॉन्ट्रैक्टर आए उन्होंने हमारे पुराने प्लांट को उसी स्थान पर छोड़ करके उन्होंने अपना नया प्लांट लगा लिया है। और उस प्लांट की तैयारी क्या है, क्योंकि अब गन्ना अगले एक महीने में गन्ने का समय आ रहा है, तो वो सुनिश्चित करना था हम लोगों को कि तैयारी क्या है, गन्ना कब से किसानों का ले लेंगे। तो इनकी तैयारी पूरी लगभग कम्प्लीट है। हम लोगों ने, हमारे साथ एडीएम साहब भी हैं, प्रशासन गन्ना विभाग के हैं, एसडीएम किच्छा, एसडीएम सितारगंज, तहसीलदार, सारे अधिकारी हम लोग यही देखने आए हैं कि इनको गन्ना कब से चाहिए, चीनी मिल की तैयारी की स्थिति क्या है। तो हम लोग सेटिस्फाई हैं कि ये समय से अपनी मिल तैयार कर लेंगे। और किसानों का जो पहले किसानों को दिक्कत होती थी, आप लोग भी जानते हैं कि उन्होंने पिछले साल भी गन्ना मूल्य भुगतान चीनी मिल बंद होने के 14 दिन के भीतर किया था। और इस साल तो इनका ये प्लान है कि गन्ना किसान लेके आएगा और कोशिश होगी 24 घंटे के भीतर उसके खाते में पैसा चला जाए। तो ये अपने आप में सरकार ने जो निर्णय लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया, ये बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। और इस टाइप का संभवतः ये पहला प्लांट है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि यूपी और उत्तराखंड का ये पहला प्लांट है जो इस तरह से नए टेक्निक और नए इक्विपमेंट के साथ तैयार हुआ है। तो इस क्षेत्र के किसानों के लिए सबसे ज़्यादा फायदा है कि जो अभी तक तमाम तरह की फसलें बोते थे लेकिन वाजिब मूल्य भी नहीं मिलता था, नेचुरल कैलेमिटी आती थी, तो उसे धान या जो भी लगाते थे ख़राब होता था, लेकिन गन्ने में ये सब चीज़ें सिक्योरिटी है। तो मुझे उम्मीद है कि किसानों को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और गन्ना के क्षेत्र में विस्तार भी होगा और किसानों को जो पैसा है वो समय पर मिल पाएगा। खबर भारतवर्ष के लिए सितारगंज उत्तराखंड से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।